हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग सक्सेस। आज मैं आपके सामने फिर से एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ SBI क्लर्क प्री रीजनिंग का, जो कि आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, जो कि आपका एग्ज़ाम है 29th February एंड 1st March। तो इस ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं गाइस। ये क्वेश्चन मैंने बैंकर्स अड्डा की वेबसाइट से उठाया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, और वहाँ पर और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप वहाँ से जाके विजिट करके ये ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं क्या है क्वेश्चन गाइज। ये एक सर्कुलर टेबल का क्वेश्चन है। मेरे बनाने से पहले मैं आपको कहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार इसको खुद से ट्राई करिए बनाने का, और देखिए कितना जल्दी आपसे बनता है या कितना देर में आप बना पाते हैं इसको। फिर मैं अपनी अप्रोच, एक बहुत ही अच्छी अप्रोच आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके बाद आपको ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, ठीक है गाइज। सो गाइज, आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। चलिए फिर, अगर बना लिया आपने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना है तो मैं आपको बताता हूँ, और जिन्होंने बना लिया है वो भी इस क्वेश्चन को ज़रूर देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ, क्योंकि ये अप्रोच आपके एग्ज़ाम में ज़रूर काम आएगी इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में, ठीक है। तो यहाँ दिया है, 8 persons आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल इन सच अ वे दैट सम ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, ठीक है। पी सिट्स, तो पी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, who sits second to the left of G, M sits opposite to R, T sits second to the right of Y, and both of them face toward the center, S and P face opposite direction to M, immediate neighbors of B face opposite direction to each other, T sits third to the right of R, P does not face toward the center, G is an immediate neighbor of M। तो गाइज, ऐसे क्वेश्चन को जब भी आप बनाएं तो आप देखें सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज एक दूसरे के साथ कौन सी कनेक्ट कर रही हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अरेंजमेंट आपके बैठ सकें इस क्वेश्चन में, और फिर आप उसको आगे बना पाएँ। तो चलिए पहले मैं 2 possibilities के साथ इस क्वेश्चन को बनाऊँगा। तो गाइज, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एक कंडीशन दी है कि टी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वाई एंड बोथ ऑफ देम फेस टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। फिर यहाँ टी से कनेक्टेड, टी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ आर, तो हमें थोड़ा ज़्यादा पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बैठाने को मिल रही हैं, तो हम बैठाते हैं। टी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वाई एंड बोथ ऑफ देम फेस सेंटर, ठीक है। वाई भी सेंटर फेस कर रहा है और टी इसके सेकंड टू द राइट है, दोनों की दोनों सेंटर फेस कर रहे हैं। यहाँ भी हम एक ले लेते हैं, दोनों के दोनों सेंटर फेस कर रहे हैं। टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर, अब आर की डायरेक्शन तो हमें पता नहीं है, तो हमको दोनों पॉसिबिलिटीज़ लेनी पड़ेंगी। तो एक बार मैं जब आर इनसाइड देख रहा है वैसे देख लेता हूँ, इनसाइड बैठ रहा है, इनसाइड फेस कर रहा है वैसे ले लेता हूँ। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट, यहाँ पर टी यहाँ पर हो जाएगा, और एक बार आर को आउटसाइड फेस करा लेंगे तो 1, 2, 3 थर्ड टू द राइट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको दी एक कंडीशन यहाँ पर कि M सिट्स अपोजिट टू R, ठीक है। यहाँ पर आप M बिठा लीजिए और यहाँ पर एक M बिठा लीजिए, ठीक है गाइज। अब यहाँ एक कंडीशन दी है, G इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ M, तो यहाँ पर तो G आ जाएगा, यहाँ पर एक जगह है, यहाँ हो नहीं सकता, T बैठा हुआ है। पर आप इस कंडीशन में देखेंगे तो दोनों उसके इमीडिएट नेबर्स ऑलरेडी फिल्ड हैं, तो ये वाली कंडीशन हमारी हो गई रॉन्ग, ठीक है गाइज। अब हम इसी कंडीशन के साथ मूव फॉरवर्ड करेंगे जो हमारी ऊपर दी हुई है, ठीक है। चलिए गाइज, यहां पर एक M से रिलेटेड चीजें दी हुई हैं कि S एंड P फेस अपोजिट डायरेक्शन टू M, पर अभी M का डायरेक्शन तो पता नहीं है, लेकिन अगर आप आगे पढ़ेंगे तो यहां पर आपको P का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो P डज नॉट फेस टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब P कैसा है, आउटसाइड फेसिंग है। तो अगर P आउटसाइड है तो S एंड P फेस अपोजिट डायरेक्शन टू M, मतलब S और P का सेम है, S और P आउट हो गया, M क्या हो गया, इन। तो यहाँ पर M की डायरेक्शन क्या हो गई, इन, ठीक है गाइज। चलिए अब गाइज, यहाँ एक कंडीशन दी है कि P सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ B, हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ G। हु का मतलब क्या है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, तो B के लिए कह रहा है कि B हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ G। अब अगर G को हमने आउट फेसिंग कराया तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड टू द लेफ्ट यहाँ हो जाएगा, पर अगर इन फेसिंग कराया तो यहाँ पर पहले ऑलरेडी
ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ तो मतलब ये इनसाइड फेसिंग तो हो नहीं सकता, तो ये आउटसाइड फेसिंग होगा और बी यहाँ हो गया। अब एक चीज़ दी हुई है कि इमीडिएट नेबर्स ऑफ बी फेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, ठीक है, तो आर अगर इनसाइड है तो इसके साथ वाला अपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ लिखा था कि पी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, तो इमीडिएट राइट मतलब अगर मैंने इसको आउट बैठाया तो ये इधर पी आ जाएगा, ठीक है, अगर इन किया तो इधर तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो ये इन तो नहीं होगा, ये आउटसाइड डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पर पी हो गया, ठीक है। और एक ही जगह बची एस जिसकी डायरेक्शन हमें पता है आउट। तो गाइज सारी डायरेक्शन पता लगी ना, हाँ सारी। तो गाइज आपने देखा कितने इजीली मैंने इस क्वेश्चन को और कितने अच्छे अप्रोच से कंप्लीट किया। इसी अप्रोच के साथ अगर एग्ज़ाम में आप करेंगे तो हमेशा सही होगा और बहुत जल्दी आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो गाइज अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लाता रहूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके उनके साथ। थैंक यू सो मच।